हेलो गाइस, हेलो गाइस, आजा एनिवर्सरी टाइम, गिटारी टाइम। देखो पैर अच्छा से देखो, पहले ब्लॉग में देखी ना इनको, लड़की के नाम पैर रंगा गया है, किस लिए? लावा गूंजने के लिए। हम लोग जा रहे हैं गाइस लावा गूंजने के लिए, भाई के साथ में बहन को लावा गूंजा जाता है, यही फूट के जो लावा निकलेगा इसमें से, तो वो फेरा के टाइम छिटाएगा लावा। वाह। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल खुशमित ऑफिशियल। मैं खुशबू और ये बैठे मेरे बगल में मेरे ममित, हम दोनों मिलके बने खुशमित। फाइनली मेरे लिए भी एक रस्म बनी हुई थी। बाकी रस्म तो बुआ लोग ने ही किया, पर ये जो रस्म होती है बहन और बहनों ही करते हैं, यानी जीजा जी और बहन भाई के। तो यहाँ मैं और अमित जी लावा भूंजने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो लावा भूंजाता है, सॉरी लावा नहीं, धान भूंजाएगा तभी तो लावा निकलेगा। तो ये जो धान भूंजाता है, तो ये जब लावा निकलता है तो यही लावा फेरो टाइम यूज होते हैं। फेरा के टाइम इसी लावा को छीटा जाता है मरवा पे। तो ये काम हम लोग का है कि धान से अच्छी तरह लावा निकाला जाए। तो यहाँ अमित जी आग लगा रहे हैं, आग लगाने का काम यही कर सकते हैं क्योंकि बहुत मुझे डर लग रहा था ये सब करने में। ये चूल्हा या गैस वैस पे नहीं बनाया भून सकते हैं लावा, हम लोग ने यहाँ मिट्टी के चूल्हा लाना हम लोग भूल गए थे, तो हम लोग ने खुद से ही ये ईंटा जोड़ के चूल्हा बनाया, फिर चूल्हा का पूजन किया, उसके बाद इस पे ये जो बगल में हड़िया रखा हुआ है ना, इसे रख के लावा डालकर फिर लावा को भूंजा। सॉरी फिर मैं कर रही हूँ लावा भूंजा, धान को भूंजा। बहुत मेहनत लगी ये धान भूंजने में और डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह से मिट्टी के बर्तन में कुछ भी चूल्हा इस तरह से जला दी। मैं मेरे लिए भी कुछ था ये सोच के ही खुशी थी। इस दिन का इंतज़ार, पता जब चला था मुझे कि मुझे करना है भाई के शादी में ये वाला रस्म, तो मुझे बहुत इंतज़ार था इस दिन का, इस समय का, इस पल का। और प्लस एक खुशी और थी कि इस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, तो वो डबल खुशी थी। यहाँ अभी लावा भुंजाएगा, लावा भुंजाने के बाद मेरी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाएगी। एक छोटा सा मेरे फैमिली ने हमारे लिए एक फंक्शन रखा था, मेरा मन नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, पर मेरे मायके वाले ने बहुत जिद की, मेरे मम्मी पापा भाई ने, कि ऐसा थोड़ी है कि मेरी शादी है तो तुम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करोगी। तो इन्होंने ही एक छोटा सा प्लान किया हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा, अमित को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एनिवर्सरी कौन नहीं सेलिब्रेट करना चाहता है। पर भाई की शादी थी तो इस बार मैंने सोचा था कि ना रहने देते हैं, पर इन्होंने वो भी शौक़ पूरा किया हमारा। तो यहाँ फ़िलहाल मैं अभी लावा भूंज रही हूँ और आप लोग भी लावा पर फोकस करो कि किस तरह से मैं लावा भूंजती हूँ और कितना अच्छा मैं लावा भूंज कर निकाल रही हूँ। देखिए गाइस, बहुत अच्छा लावा भूंजाया था, एक एक खिल के आया था, एकदम वाइट वाइट देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लावा भूंजाया था। फिर इसे ना भूंजने के बाद ना इसे मुझे बेचना भी है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जो भी इस अभी मेरे ब्लॉग में नए नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्लीज़ अभी के अभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़।
सकते हैं। सोचिए पूरा डायमंड तो तोड़ना पड़ेगा। मैं कितना है बेचोगी बोलो दाम लगा दीजिए भाई। हाँ दाम लगाइए जी। अब अनमोल है ना जी, बिन दाम बिजनेस मैन है। दाम लगाइएगा ठीक से। भोजन नहीं लग रहा है बहुत अच्छा पूजे शादी में। हाफ पेटी खर्चा है उसका 5% जोड़ लीजिए। चलो ठीक है लो सब लो। नहीं नहीं लावा नहीं लो। इतना सस्ता लावा हो गया भूल ही गया। देखिए हम अपन खरीद लिए पैसा दे पाई और ये चीज नहीं तो अपना सब आप लोग दाम माल पानी रहा टाइट टाइट है। ये 500 से काम चलता ही है। यहाँ पापा अमित को गोल्ड का ब्रेसलेट पहना रहे हैं। ये लावा भुंजाई का रसम भी था प्लस भाई के शादी में रिटर्न गिफ्ट भी था। ए पैसा दे दे भाई 5000 रुपया हाँ देख बहुत महंगा पर गोल लावा। ऐसा नहीं कहाँ गए पैसा उठाओ। अरे बहुत कीमती लावा है। पीछे ना ठीक है 500 रुपया नहीं लावा लेवा हो जे बोल प्रॉपर दिहाई हासा हो दिहाई जो ना ना से लावा ले करेगा मुर्दी दिन हम लावा बेचते रो लावा लेवा जे बोल सुसु लावा लेवा जे बोल लावा ले दी हां लावा ले तेरा क्या है कहाँ दी हमने ले लो फिर पैसा देना पड़ता है भैया कम से कम 5000 दे दीजिए। कमाते माते नहीं विप्रो कंपनी में जॉब करता है कमाता नहीं। अरे हम लावा नहीं खरीदेंगे। पैसा निकाल लीजिएगा बोल ना छोटू। अरे रुक ना थोड़ा 1 रुपया देना 1 रुपया देना 1 रुपया दो ना बोलो ना 1 रुपया पहले दो ना नहीं नहीं इतने के अरे दे ना 2 रुपया दे ना जो दे ना तू इतना काचे सोच रहा है तो पैसा ले यार ऐसे दो ना हो गले। अरे बोल ले हां ये देखो अजीजा जी के जी अजीजा जी को छोड़ दे उनको गोटे लगेगा इसका मतलब है जीजा जी के पहले लगा आशीर्वाद लेना देखिए लावा बेच रहे माल पानी तुम गारा गारा निकाली तुम एकदम पूरा थाली तुम खाली खाली लग रहा है मेरा। लावा बेच रहे लावा नमाज़ पानी अरे लावा चला हुआ नहीं लीजिए।
अच्छी बताइए ऐसा आवाज में चला है आवाज चला हुआ है इतना अच्छा लगा नहीं नहीं लेकिन हम लावा तो खुने आया लावा चला हुआ है फुटफुट दे हां लेकिन तो मौका नहीं मिला है ऐसे थोड़ी मिलेगा कम से कम देखिए 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 ये सब मिला है जाएगा कोई दिक्कत नहीं साला कमाऊंगा रहे कि नहीं कमाऊंगा पैसा आदमी है जी डाई नहीं है हां वो अभी टाइम है ऐसा देना पड़ेगा तुमको हां तो बढ़िया दिखाएगा तुम्हें जी अरे दीदा वाला ना जहां आया था वहीं वाला जी लेकिन आपको छांट के दे देंगे आप पैसा नहीं दीजिए फटाकी तो सही चलिए 3 ईयर कंप्लीट पता ही नहीं चलता है ना और अब की शादी बस चलती जाती है लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो 3 ईयर क्या 30 साल 40 साल 50 साल भी आपको कम ही लगता है तो ये हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है पटाखा जलाकर फाइनली समाप्त हुआ मेरा एनिवर्सरी। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरी एनिवर्सरी इतना 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 ज़्यादा ख़ास बनाया।
और एवरीवन थैंक यू, इस ब्लॉग को भी देखने वाले को थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और भी ब्लॉग आने वाला है, बाय बाय, गुड नाइट।